दोस्तों वैज्ञानिक एक वॉर्म होल बनाकर पैरेलल यूनिवर्सेस तक जाने के सपने तो देखते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं है। इसमें एक नहीं कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है एक वॉर्म होल को इतना बड़ा बनाना कि इसमें से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर सके। इस काम के लिए हमें उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी सूरज 10 करोड़ सालों में पैदा करता है, जो कि असंभव है। दूसरा चैलेंज होगा इसकी स्टेबिलिटी का। टेक्नोलॉजी इतनी भरोसेमंद होनी चाहिए कि वॉर्म होल तब तक स्टेबल बना रहे जब तक स्पेसक्राफ्ट दूसरी यूनिवर्स से ट्रेवल करके वापस अर्थ पर ना लौट आए। इसमें चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तीसरा चैलेंज ये है कि वॉर्म होल्स चौथे आयाम में कुछ ही क्षण के लिए खुलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि एक वॉर्म होल बना लिया गया और स्पेसक्राफ्ट ने इसमें एंटर कर भी लिया, तो हमें ये नहीं पता कि ये दूसरी यूनिवर्स में किस जगह पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट पर ही पहुंचे। चौथा चैलेंज है कम्युनिकेशन का। वॉर्म होल के अंदर स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा? बिना कम्युनिकेशन के ये स्पेस में ही कहीं खो सकता है, और हो सकता है कि ये कभी भी अर्थ पर वापस ना लौटे।